नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का मतदान चल रहा है। 7 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इस फेज में मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़, योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र गोरखपुर और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का संसदीय क्षेत्र मऊ भी शामिल है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 2012 में सपा ने 9 सीटें जीते थी, लेकिन इस बार इस क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव ने एक भी रैली नहीं की। कुछ असर पड़ सकता है या नहीं, हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी, साथ ही बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल और हमारे एडिटर इन चीफ रिजवान अहमद सिद्दीकी जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कुणाल जी आपसे। सपा और कांग्रेस के इस तेज उतरवा दिए गए बनारस में, क्या कह सकते हैं, डर गए या कुछ भी? सरकार की राजनीतिक हालात देश के अंदर है, लगातार जिस प्रकार का वातावरण देश के अंदर बनाया जा रहा है, सारी चीजें हर कोशिश, क्योंकि जिस प्रकार से झूठ की राजनीति के तकाजे पे चल के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं वही चरित्र इसमें भी दिखता है। कभी पाइनएप्पल को वो कहने लगते हैं, वहाँ पे नारियल कहने लगते हैं, किस हिंदुस्तान के उसने कहा, और हर ही जगह वाराणसी में जो स्थितियाँ हैं या पूरे देश के अंदर जो स्थितियाँ हैं, हर जगह जो भय का वातावरण बीजेपी के अंदर, क्योंकि अभी बिहार के अंदर जो स्थितियाँ रिजल्ट आए, दूसरी जगह जो रिजल्ट आए, कहीं ना कहीं देखने योग्य है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए जो एक विचारधारा के लोग साथ में आए, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो राजनीति विकास की बात करते थे वो कब्रिस्तान और शमशान की बात करने लग गए, जो राजनीति में किसकी चीजों के ऊपर अच्छे दिन के ऊपर आए थे, और महंगाई जब लगातार बढ़ती गई, सारी चीजें जनता परेशान होते गए, तो कहीं ना कहीं भय के मारे जिस प्रकार की स्थिति है उसका नतीजा यह है कि वो करने की ओर बात है। रजनीश जी क्या समझे थे, स्टेज उतरवा दिया, आप कहते हैं कि गुंडा राज है, गुंडा राज है, इसे क्या समझे हम? नहीं, आपको समझने के लिए बिल्कुल नियम कानून, चुनाव की आचार संहिता, चुनाव आयोग बिल्कुल है। एक तो राज्य में हमारी सरकार नहीं है, जो कानून व्यवस्था का मसला रहता है या पुलिस प्रशासन जो रहता है राज्य में, वर्तमान में भी कांग्रेस के इलेक्शन पार्टनर समाजवादी पार्टी की ही सरकार है। इनके इलेक्शन पार्टनर अखिलेश यादव ही वहाँ मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में वहाँ चुनाव संचालित हो रहे हैं जी। तो स्वाभाविक है, चुनाव संचालन के दृष्टिकोण से जो चुनाव आयोग ने किया है और जो वहाँ के प्रशासन ने किया, उनसे जवाब मांगिए। उनसे जवाब मांगे, आपने तो सीधे सीधे तौर पे कह दिया, उन्हीं से जवाब मांगे जी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ शासन में नहीं है, अगर हमने बेजा इस्तेमाल शासन का करने का आरोप भी लग सकता। रिजवान जी क्या कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं और उनके स्टेज ही उतरवा दिए। घटनाक्रम क्या है, अगर हम उस पर बातचीत करना है हमें, तो उस पर हमें स्पष्ट करना चाहिए। और स्टेज कोई एक स्टेज हट गया या किसी तरह की चीजें हो गई, कोई पीछे हट गया, कोई आगे बढ़ गया, इससे बहुत आगे बात करें तो बनारस में आज प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, बड़ा काफिला है। शाम को अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो होना है जी। तो इस तरह की चीजें हैं, रोड शो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा रोड शो कर रहे हैं, तो ये चर्चा का भी विषय बनेगा। और इसमें इतना बड़ा अपार जन समर्थन है, उस पर कोई अपनी पीठ भी थपथपाएगा, कोई कहेगा कि देखिए तो दिख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, बनारस की जनता क्या चाहती है, और कोई ये भी कहेगा कि इतने ढेर सारे मंत्री, इतने तरह के लोग, और प्रधानमंत्री खुद, क्या प्रधानमंत्री ने इतने दिनों में कोई ऐसा काम नहीं किया कि बनारस में जाकर उन्हें इतने बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन करना पड़े। तरह तरह की बात है, चुनाव है, जितने मुंह उतनी बात। रजनी जी 11 की बातें होंगी जी। रिजवान जी 11 मंत्री यहाँ पर प्रचार प्रसार करने पहुंचे हुए हैं, सभी बड़े मंत्री पहुंचे, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, और बड़ी संख्या में पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार है। एक वीवीआईपी क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। देश की राजनीति में क्या दुनिया की राजनीति में उस जगह का नाम है, इसलिए प्रधानमंत्री वहां से सांसद है जी। और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा की बात है, और लोगों को यह भी एक अवसर होता है कि वो दिखाएं कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रति उनकी कितनी संवेदनशीलता है, वो कितने समर्पित हैं, पार्टी के प्रति कितने समर्पित हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो वहां उनको टक्कर भी कड़ी दी जाने की कोशिश की जाएगी, और उन्हें भी
अपने आप को एक अलग नया रिकॉर्ड बनाकर आगे बढ़ने की उनकी भी अपनी कोशिश होगी। तो इस तरह की सबके अपने अपने तर्क हैं। जी बिल्कुल, लेकिन, जी, यहां लेकिन पर... इतना इतना तो तय है हाँ। कि पूरी ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी अपने खुद के संसदीय क्षेत्र। जी बिल्कुल कुणाल जी, जी जान से जुटे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में कब्जा करना ही करना है, अपनी धाक जमानी जमानी है। और जिस तरह से आज रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, हम क्या समझे इसे कि अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहां से संसदीय क्षेत्र है यहां पर पीएम मोदी जी का, या फिर डरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं इसलिए पूरी सेना के साथ पहुंच गए हैं? अंदर ही अगर आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़े जहां से आप सांसद हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति आपकी है और जिन तरह की बातें चुनाव के अंदर होती रही है, चुनाव में किन मुद्दों पे बात होनी थी कि हम क्या करेंगे, कभी कुछ बात करते हैं पर दूसरे प्रदेश के लिए अलग, प्रदेश के लिए अलग, देश के लिए अलग, हर तरीके के झूठ के जो आडंबर की कोशिश करी जा रही है। और जो चुनाव को निचले स्तर पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कोई अध्यक्ष नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, पर उनके जो क्रियाकल्प है और का जो क्रियान्वयन है वो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एक नेता के रूप में है, ना कि इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में। जिस प्रकार की झूठे शब्द बाग पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वहां जाते हैं मैं स्लॉटर हाउस बंद कर दूंगा, मध्य प्रदेश के अंदर स्लॉटर हाउस चलते हैं, वहां पे जाके मेट्रो के ऊपर सवाल उठाते हैं कि अखिलेश ने मेट्रो चालू नहीं करी, जबकि गुजरात में खुद 15 साल पहले घोषणा करते हैं, क्या घर घर स्टेशन बना रहे थे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 साल से है, वहां पे स्थिति आप देखे, सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति जिसे करने का, वहां के किसानों का कहते हैं कर्जा माफ कर देंगे, वहां के किसानों को कहते हैं हम आएंगे तो सारे आलू खरीद लेंगे, क्या मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के किसानों ने कोई पाप किया है जो उनका कर्जा आप माफ नहीं कर रहे हो, रजनीश जी जवाब दीजिए, उनकी आलू की फसलें नहीं खरीद रहे हो? कल मैं खुद वहां पे आलू लेके गया था मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख, वहां पे सारी चीजें करने की भी। तो झूठ का जो पलिंदा अच्छे दिन का था, जो काले धन का था, ये सारा बर्बाद हो चुका है। तो अब तुष्टिकरण की जो राजनीति की पराकाष्ठा करते हैं कि शमशान और कब्रिस्तान, अरे शमशान और कब्रिस्तान में तो जब जाएगा इंसान, जब मर जाएगा, पर जिंदा आदमी को मारने के लिए क्यों आप बात कर रहे हो, उसको मारने के बाद पहुंचाने की बात क्यों कर रहे हो? आप जिंदा आदमी के लिए उसको भोजन का, दाल का, आटे का, सब्जी का, और जो अधिकार उसका है, ठीक है ठीक है रजनीश जी, ठीक है ठीक है, एक एक करके जवाब ले लेंगे। रजनीश जी, यहाँ पर झूठ का पुलिंदा करार दिया है सभी वादों का, चाहे वो काला धन वापस लाने का हो, चाहे विकास का हो। देखिए बिल्कुल झूठ का पुलिंदा, ये जो बोलना है बोलते रहें, क्योंकि जनता इनको, इनके शब्दों पर विश्वास करती नहीं है, जनता नकारती है। गांव से लेके कस्बा, महानगर, शहर, देश में कई जगह कई प्रकार के चुनाव हुए हैं पिछले 3 महीनों में, 4 महीनों में, उन सबके परिणाम ये बता रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से, मैं बुरी तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितनी बुरी तरह से कांग्रेस को जनता पराजित कर रही है। अच्छा। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में इनको नकारा जा रहा है। रही बात काले धन की, तो काले धन का सवाल हमसे वो कर रहे हैं जिनके राज में काले धन इस देश से बाहर गया। काले धन के बारे में हमसे वो सवाल कर रहे हैं जब इस देश में काला धन तैयार हुआ बना, सवाल वो कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एसआईटी बनाओ, 3 साल तक आपने क्यों नहीं बनाई, उत्तर नहीं दिया, पहली कैबिनेट में एसआईटी बनी और एसआईटी के मार्गदर्शन में स्टेप भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ले रही है, और जो एसआईटी के मार्गदर्शन में काम किया जा रहा है जरूर उनके बारे में बात होना चाहिए कि एसआईटी ने क्या क्या कहा और हमने क्या किया और क्या नहीं किया। हिम्मत है कांग्रेस में तो उन पर बात करें, एसआईटी क्यों नहीं बनाई जवाब दे, काला धन आपके राज में क्यों गया जवाब दे, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? कुछ महीने पहले जहां राहुल गांधी इनके युवराज दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता खटिया खड़ी करते थे खाट सभा पर, वहां के मुद्दे नदारद हो गए, किसानों के मुद्दे नदारद हो गए, वहां गुंडागिरी अराजकता के मुद्दे नदारद हो गए, महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे नदारद हो गए, उन्होंने तो बहुत बड़ी पदयात्रा और तमाम प्रकार की रैली सभा ये वो सब किए थे, लेकिन उनकी गोदी में जाके बैठ गए क्योंकि अपने आप को सुरक्षित करना था। मुझे लगता है जनता के बीच में बोले गए शब्द की तो कम से कम बात रख लेते, विश्वास कर लेते। झूठ का पुलंदा राहुल गांधी और उनकी पार्टी का है, 6 महीने बाद कुछ कहते हैं, 6 महीने के बाद में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सरकार की गोदी में जाके बैठ जाते हैं, वो बात करेंगे। अपीजमेंट की बात करने वाले लोग गोदी में जाके बैठ जाते हैं, कुणाल जी अपीजमेंट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देगी 11 मार्च को हम और आप बैठ के उसका नतीजा देख लेंगे। जनता वहां जवाब दे रही है, और कहां कांग्रेस, कहां समाजवादी पार्टी,
ढूंढते रह जाओगे करके अपने एक एक करके अपना पक्ष रखना है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ की सबसे बड़ी पार्टी होती है और उसके प्रवक्ता सबसे बड़े सेलर। रजनीश भाई कर रहे हैं महिलाओं पर अत्याचार की बात। जिस प्रदेश के प्रवक्ता आते हैं वहां पे सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार में नंबर एक है। हाँ। बलात्कार में नंबर एक है, कुपोषण में नंबर एक है, किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। जिनकी 13 साल से सरकार है वो इस पे हिसाब मांग रहे हैं कि वहां पे हिसाब मांगने जा रहे हैं। वही तो सवाल है कि आपके राज्य में सबसे ज्यादा ये चीजें हो और आप हिसाब दूसरे राज्यों में जाके मांगते हो। वो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं किसानों का कर्जा। यही मेरा सवाल है, यही चीजें है कि जिस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं कि ये उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए तो इनके राज्य में नहीं होना चाहिए, दूसरे राज्य में जाके चर्चा होना चाहिए जहां। कुणाल जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि बहुत 2018 में आ जाए, मुद्दे उठाए, यही सब सारे। अरे आपकी बात सुन ली, कर लो, अरे आपकी बात सुन ली रजनीश भाई, सुन ली भैया, विपक्ष की तरह बिहेव करना बंद करो, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हो साहब। भैया हम तो सत्ता पक्ष के हो, थोड़ा थोड़ा बिहेव, मुद्दे पर बात करो, मुद्दे पे है ना। क्या मध्य प्रदेश का किसान कानूनी खरीदोगे? वो ठीक है, वो मरेगा वो ठीक है, मध्य प्रदेश में महिलाओं पे बलात्कार होगा वो ठीक है, या मेट्रो नहीं बनेगी वो ठीक है, दूसरे प्रदेश में वहाँ 500 रूपए पेंशन मिलती है। हाँ। 21 करोड़ की जनसंख्या में इनका जो राज जाता है वहाँ 150 रूपए मिलती है, वो भी टाइम पे नहीं मिलती है। ये लोग बात का पुलिंदा और जो झूठ की और काले धन पे भाई, काले धन पे मैं रख दूं बात, आप फिर काले धन की आप नहीं, अभी इनने पूछा था सवाल, अरे इनका सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, काले धन की बात कर रहे हैं, 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया देश के अंदर, बिल्कुल देश पे राज की, राजनीति या सेवा करी। कांग्रेस के समय 2 लाख करोड़ का एनपीए था बैंकों का और इनके समय आते ही 9 लाख करोड़ का हो गया। जो विजय माल्या से लेके जिस प्रकार के चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के 2.5 लाख करोड़ के कर्जे इन्होंने माफ करे, कांग्रेस ने उद्योगपतियों के नहीं करते थे, कर्जा करते थे किसानों का माफ करते थे। और ये आप बात करते 60 साल तभी और इतना बड़ा जो काला धन जमा हुआ है जिसकी बात आप हर बार करते हैं उसका विजय माल्या को मिली हम लोगों ने कर्जा, आपने भगाया, मॉर्गेज के कर्जा दिया, अरे किसने दिया, बैंक वाले जेल में भैया, बैंक वाले जेल में। अरे विजय माल्या को हम लोग भगाया किसने, मानवीयता के आधार पे भगाने का काम उद्योगपतियों को भी हमने कर्जा दिया। अरे आप 60 साल में देश ने तरक्की नहीं करी, तरक्की 60 साल में करी है आपने, तो आते ही देश की हालत खराब कर दी है, हमने किया था। अरे आपने 50,000 का कर्ज माफ, मध्य प्रदेश की जनता ढूंढ रही है, अरे जनता ढूंढ रही है आपको, अरे जनता ढूंढ रही है भैया, 150 दिन में काले धन की बात को, अदानी और तमाम प्रकार के जो 62,000 हमने जो लोन दिया है 50 साल में, अरे एसबीआई से लोन दिया है 62,000 अरब का, वो तो 11 मार्च को पता चल जाएगा, जनता इनके बारे में जानती है, जनता बहुत समझदार है, इसलिए तो लगा रही है इनको, बिहार में घर कर दिया, विधानसभा बिहार में घर कर दिया, लोकसभा के बाद दिल्ली बिहार सब जगह घर कर दिया। एक एक मुद्दे पर बात करेंगे रिजवान जी, आप तो सुनी रहे हैं सारी बातें, यहाँ पर काले धन की बात कांग्रेस प्रमुखता से उठाती आ रही है, काला धन वापस लाने का वादा किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था, और दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी वालों का कहना हो जाता है कि जो भी काला धन था वो वापस आ तो रहा है लेकिन दूसरे तरीके से आ रहा है, हम क्या समझे, दोनों ही जगह मतलब जनता तो परेशान है बीजेपी की कार से अभी, और क्यों परेशान है, क्योंकि 60 साल में कांग्रेस ने राज किया था। राजनीतिक बात है और राजनीतिक अपने अपना, उनका अपना अपना तरीका, अपना अपना पक्ष है, और इस बहस में बहुत ज्यादा अगर मैं पड़ा तो मुझे लगता है वो निरर्थक ही होगी। जी जी, काले धन पर अगर ईमानदार है तो जो शासन में हो उसको कुछ करना चाहिए। जी जी, पीछे जिन्होंने अगर नहीं किया है तो जनता ने उनको घर बैठा दिया है। हाँ। तो आप भी घर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह से वापस जाना चाहते हैं आप भी, फिर अगले बार आप पक्ष, आप विपक्ष होना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं तो करते रहिए, लेकिन जनता तो ठगी सी है, हर हाल में जनता ठगी है। जी। अभी रजनीश जी कह रहे थे कि चुनाव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का हो रहा है, आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ट्रैक से उतर गए हैं, तो हमें तो समझ में ही नहीं आता कि उत्तर, ये तो सच है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव मुख्यमंत्री के लिए हो रहा है, राज्य सरकार के लिए हो रहा है, लेकिन राज्यसभा के बहुमत के लिए भी मांग की जाती है कि हमको राज्यसभा में हमको और बहुमत चाहिए, तो मतलब केंद्र सरकार के लिए भी चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री जिस स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये मुख्यमंत्री का चुनाव है कि प्रधानमंत्री का चुनाव है,
बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन सबका अपना अपना मौलिक अधिकार है और सबके नैतिक कर्तव्य भी हैं। तो मौलिक अधिकार का इस्तेमाल सभी कर रहे हैं, एक दूसरे पर खूब छींटाकशी कर रहे हैं जमकर, और छींटाकशी का कोई स्तर नहीं रहा। और किसी भी स्तर पर जाकर व्यक्तिगत हमले, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये सब कुछ बहुत कुछ दिखा। बिहार में भी अपनाया गया था जी। लेकिन बिहार में जिसने इसको ज्यादा अपनाया उसको ज्यादा नुकसान हुआ। अब उत्तर प्रदेश की जनता इस पर कैसे रिएक्ट होती है, क्या करती है, कैसे करती है, कोई कहता है कि इन्होंने कम किया है, कोई कहता है उन्होंने किया ही नहीं है। काम तो सभी करते हैं, इसलिए कि जनता के बीच में 5 साल में सबको जाना है, विजन किसका कितना स्पष्ट है। लेकिन इन सब चीजों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल था, जो आपने दोनों से पूछा था, दोनों ने लगभग उसका जवाब नहीं दिया जी। विकास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। कोई कहता है केसरिया होली खेलेंगे और खेली भी जा रही है। हाँ। आज भी ढेर सारे प्रवक्ता उसी भाषा में बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की उस रैली के बाद। और कोई कहता है कि फला को वोट मत देना मुसलमानों, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई कहता है रक्षाबंधन मना लेंगे। तो ये जो सब चीजें हैं, ये टारगेट करके वोटों के ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश है, ये विकास के नाम पर करने की कोशिश कम हो गई है। और जिन्होंने सबसे ज्यादा लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर भी ये कहा था कि 10 साल छोड़ दो हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं करेंगे जी, उनसे भी चूक हुई है इसमें। और जब इस तरह की चीजें होती हैं, लगातार होती हैं, और अपेक्षा सबसे अधिक उसी से की जाती है जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर हो, उससे ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा है, जो कम जिम्मेदारी पर है उससे कम जिम्मेदारी की अपेक्षा, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी नहीं निभा रहा है। कीचड़ उछालने का सिलसिला बहुत तेज है जी। बिल्कुल। यहाँ पर रजनी जी आपके पास आएंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बिजली का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हैं, सीएम ने बोला कि तार छूकर देख लें पता चल जाएगा। इस पर भी पलटवार किया कि कपड़े सुखाते हैं, यहाँ पर संसदीय क्षेत्र है उनका, बिजली क्यों नहीं मिल पाती उनको। देखिए, ये मुद्दा तो बिजली का वहाँ है, मुद्दा सड़क का भी है, मुद्दा पानी का भी है। मुद्दा तो नहीं है सड़क का, मुद्दा तो नहीं है। मेरे से पूछ रहे हो रीनू, तो मुझे जवाब देने दो, मैं तो आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। आपने सवाल किया, उत्तर दीजिए। और विकास के बारे में जैसे रिजवान जी ने कहा कि विकास के बारे में आपने सवाल किया और मैंने उत्तर नहीं दिया, तो क्षमा करिएगा, मेरे से विकास के बारे में अभी तक कोई सवाल नहीं हुआ। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ और मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल पर बाकी सभी मित्रों को कि प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रीगण, राष्ट्रीय अध्यक्ष या बाकी स्टार प्रचारक जो हमारे वहां सभाओं में अपने अपने भाषण दे रहे हैं, उन्होंने विकास के बारे में या केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी ना बताया हो, ना बोला हो। दरअसल होता क्या है, सुविधा जनक स्थिति में लोग चर्चा किनकी करते हैं, लोग मतलब मीडिया में चर्चा गधा विमर्श की होती है, मीडिया में चर्चा तमाम प्रकार के दूसरे ऐसे जो तंज कसे जाते हैं, व्यंग कसे जाते हैं, उनकी बातें बोली जाती है, इसीलिए चर्चाएं होती है। रीनू 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 भाषणों में 1 घंटा के भाषण में 5 मिनट पर चर्चा केवल आप अपनी सुविधा से सिलेक्ट करते हैं ना जी, और मेरे को आपत्ति नहीं है, आप सिलेक्ट करिए, लेकिन उसी को सिलेक्ट किया जाता है जी। जी मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि आप सिलेक्ट करिए, आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन ये आरोप मत लगाइए कि कोई भी नेता भाषण में विकास के बारे में नहीं बोल रहा। मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि अगर किसी भी नेता के, मैं अपनी पार्टी की भी बात नहीं कर रहा हूं, अखिलेश की भी बात कर रहा हूं, अखिलेश ने भी क्या अपने चुनाव में विकास के मुद्दों पर भाषण नहीं दिए, क्या मोदी जी ने भाषण नहीं दिए, लेकिन जो सिलेक्ट करते हैं वो उनके बारे में है, वो सिलेक्ट करें अपने हिसाब से करें, लेकिन ये आरोप ना लगाएं कि विकास के मुद्दों पर बात नहीं हो रही। हो रही है, पर उसी में किसकी नीयत कैसी है, किसने कैसा विकास किया, उसके बारे में भी बहस होती है, अपने अपने ढंग से होती है। बात होना विकास, दूसरी बात, दोनों में बहुत अंतर होता। दूसरी नहीं, बिल्कुल जनता महसूस करती है रीनू, जनता के सामने बात होती है, छिपे छिपाए बात नहीं होती, छिपे छिपाए बात नहीं होती, छिपे छिपाए। हम वही प्रश्न कर रहे हैं, हम विकास की बात ही कर रहे हैं। अरे मेरी गोरखपुर में संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर। रीनू उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, अपनी बात कहने दीजिए। मीडिया के कामकाज के तरीके पर मैं बताता हूं, कहते हैं या पीयूष गोयल कहते हैं या नरेंद्र मोदी जी कहते, तो मुद्दा बिजली तो उठता है ना। आपने बिजली किनको दी, 24 घंटे दी कि नहीं दी, उसके बारे में बहस होती है, तार पर कपड़े सुखा रहे कि नहीं सुखा रहे, मुद्दा तो बिजली का है ना। अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त करते हैं और बिजली के मुद्दे पर बात होती है, और सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, असलियत क्या है, जनता महसूस करती है। मुद्दा वही बनता है विकास का जिसे जनता झेल रही होती है, भोग रही होती है, देख रही होती है। अगर हम झूठ बोलेंगे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलेंगे, तो वो भी जनता महसूस करेगी कि उन्होंने तो गलत बोला, हमारे यहाँ तो 24 घंटे बिजली आती है,
ये तो गलत बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बोल रहे हैं, वो महसूस जनता को करने दीजिए ना। हम कह रहे हैं सड़क तो यहाँ बनी नहीं है, और सड़क तो चलते हैं जनता देखती है, जनता देखेगी सड़क तो अच्छी बनी है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो जनता महसूस करेगी, जनता हमें निकाल देगी, बाहर कर देगी, वहां सत्ता में नहीं आने देगी। लेकिन हमने मुद्दे उठाए हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या उपलब्धि उत्तर प्रदेश को ढाई तीन सालों में दी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में आने के बाद में देश में हमने कौन कौन सी उपलब्धियां दी, उनके बारे में भी भाषणों में जिक्र हो रहे हैं। जनता महसूस करेगी तो हमें प्रतिसाद देगी, नहीं महसूस करेगी तो नहीं देगी। लेकिन विकास के ऊपर, सुशासन के ऊपर, केंद्र सरकार की उपलब्धियों के ऊपर भी हमने कहा था, हमारे मोदी जी ने भी कहा कि हमारे रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। ढाई तीन साल का जो शासन हमने दिया है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। मैंने ये भी कहा कि इसके पहले ढाई तीन महीनों में गांव, कस्बा, शहर, महानगर और तमाम प्रकार के राज्य, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार भी नहीं है, और आजादी के बाद कभी हमने कोई सीटें भी हासिल नहीं की, चाहे पंचायत की हो, नगरीय निकाय की हो, विधानसभा की हो, लोकसभा की हो, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है। इसलिए कोई हम अपहरण नहीं कर रहा जनादेश का, मुझे लगता है इन बातों का सम्मान किया जाना चाहिए। जनता जो जनादेश दे रही है, झूठ का पुलंदा, जनता नादान है क्या, जनता जानती नहीं है क्या? हम जनता को कहेंगे यहां से वहां तक की सड़क नहीं बनी, और जनता स्वीकार कर लेगी हाँ वाकई नहीं बनी, तो ऐसा कोई पाखंड रचने की जो बात करते हैं, वो जनता को नादान ना समझें। बिल्कुल जनता को नादान ना समझें, कहने से कुछ नहीं होता है, काम दिखना भी चाहिए। जी जी कुणाल जी, यहाँ पर आपके पास भी आते हैं, इन्होंने तो बहुत सारी बातें बोल दी हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कुल मिलाकर कि इन्होंने जो भी काम किए इन्होंने किए, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, और आप तो चीखते ही रह गए कि हमने विकास बोलता है, विकास बोलता है, काम बोलता है। चलो पहली बार बड़ा अच्छी लगी रजनीश भाई की बात सुन के कि कोई बीजेपी का प्रवक्ता या तो चैनल पे या भाषणों में पहली बार कम से कम बात तो कर रहा है कि विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, नहीं तो कि कभी कब्रिस्तान और कभी शमशान, कभी केसरिया रंग तो कभी ये रंग, कभी मुस्लिम कभी हिंदू, इसके अलावा तो बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने बात ही नहीं करी कि लाइट रमजान में आती है, ईद पे आती है, दिवाली पे आना चाहिए, और इसके इस रंग को देने की जो कोशिश करी है चुनाव के अंदर, ये बात करना, इसको वोट हमें चुनाव देना चाहिए था, पहली बार ये बात सुन रहा है, ढोल रहा है मीडिया के ऊपर कि मीडिया दिखाती है। इनके प्रवक्ताओं के चैनलों पर बैठ के मैं डिबेट्स देखता हूं तो किस प्रकार की ओछी मानसिकता के साथ राजनीति को ले जाने की कोशिश, किस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री, पूरा हिंदुस्तान ने देखा कि राहुल जी ने क्या बात कही, क्या अनानास बात कही, क्या पाइनएप्पल, पहली बार सुना कि ये पाइनएप्पल को नारियल कब से कहने लग गए हिंदुस्तान के अंदर, पहली बार। और अमित शाह और दोनों व्यक्ति प्रधानमंत्री इस देश के, कम से कम इस इतनी गिरी हुई मानसिकता के ऊपर चुनाव में नहीं क्लियर हुआ। मीडिया को भी मालूम है, देश को मालूम है, और अब पाइनएप्पल को नारियल कब से कहने लग गए, ये देश को पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सिखाया कि पाइनएप्पल भी नारियल पानी होता है भैया, नारियल होता है। अब ये जिस प्रकार के बात यही होगी, पाइनएप्पल कहां से आ गया यहां पर? देखिए रीनू जी, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूँ कि चुनाव में तंज, व्यंग, उपमा, अलंकार सब प्रकार के प्रयोग होते हैं, और पहली बार नहीं हो रहे हैं जी। पहली बार नहीं हो रहे हैं। मैं इतिहास, विधानसभा, लोकसभाओं के रिकॉर्ड का भी बता सकता हूँ, और तमाम प्रकार के इस प्रकार के भाषणों में चुटकी लेना, तंज कसना होते रहे हैं। लेकिन जो आप लोग नकार देते हैं कि विकास पर इस देश में चुनाव में बात नहीं हो रही है, ये गलत है। क्योंकि किस कोई भी पार्टी, मैंने कहा कि निश्चित रूप से भाषण में विकास पर बातचीत होती है, आप उसको चलाइए। गधा पर बात 2 मिनट अखिलेश यादव ने की होगी, लेकिन गधा विमर्श लंबा चल गया, जवाब प्रधानमंत्री ने 2 मिनट का दिया होगा लेकिन लंबा चल गया। उसके पहले उन्होंने सड़कों की बात की, उसके पहले उन्होंने पूर्वांचल के विकास की बात की, उसके पहले उन्होंने बुंदेलखंड को लेकर जो बात की प्रधानमंत्री जी ने, आपने बुंदेलखंड पर चर्चा बड़ी खड़ी करा लेते कि इन 2 सालों में 2.5 सालों में प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड के लिए क्या किया, इनका विजन क्या है, अखिलेश का विजन क्या है, इस पर चर्चा करा लेते। पूर्वांचल में जो विश्वनाथ जी की रिपोर्ट थी वो क्या कहती थी, कांग्रेस ने 50 साल तक क्यों दबा रखा, क्या उसमें रिपोर्ट में था, उस रिपोर्ट पर चर्चा करा लेते। और सरकार में आने के बाद में नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल की रिपोर्ट के बारे में कितना काम किया कि नहीं किया, इस पर चर्चा करा लेते। ये जिक्र रैलियों में हुए हैं, सभाओं में हुए हैं, किसानों को, गन्ना किसानों के बारे में 14 दिन में हम भुगतान करेंगे, अभी सालों साल भुगतान नहीं होते, ये मुद्दा है। ये गन्ना किसानों के साथ में चीनी मिल के मुद्दा है,
और ये मुद्दा पर राहुल गांधी जी खाट सभा पर अखिलेश यादव सरकार की खटिया खड़ी करते थे, लेकिन छह महीना पहले तक बाद में सब भूल गए, पहले झूठ बोल रहे थे, इसलिए जनता झेल रही होती है, देख रही होती है, महसूस कर रही होती है, अच्छा या बुरा, इसलिए उत्तर जनता अपना उत्तर जनादेश जो है वो 11 तारीख को देने वाली है, तो सबके सामने आ जाएगा। इसके पहले भी तमाम चुनाव में भाजपा को आशीर्वाद देके जनता ने जता दिया, बिहार में बहुत बढ़िया, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, आजादी के बाद में पहली बार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हमारा बना, आजादी के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ में हरियाणा में मुख्यमंत्री हमारा बना, महाराष्ट्र में हमारा बना। मुझे लगता है कि पहली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में बना, इसलिए मुझे लगता है कि ये हम शून्य पर आ गए दिल्ली में, बात हमारी कर रहे हैं, ये शून्य में आ गए दिल्ली में, बात हमारी कर रहे हैं। बिहार में तो जी ऐसा है रेणु जी, आजादी के बाद पहली बार हम सभी सीटों पर लड़े थे, आजादी के बाद हम कम से कम 30-40% सीटों पर ही चुनाव लड़ते रहे, आजादी के बाद कब से हम जन्मे, केरल में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार आजादी के बाद विधायक बना है, पहली बार आजादी के बाद में हमारा जनाधार बढ़ा है, पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है, पहली बार आजादी के बाद में भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में जनाधार बढ़ा है। कहां की बात करोगे भैया, कहां जहां की बात करना वहां की बात करने को तैयार है। उड़ीसा में आजादी के बाद पहली बार पंचायतों में हम जीत कराए, कांग्रेस नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे जा रही है, मुझे लगता है कि सामने उड़ीसा में कोई गठबंधन नहीं है भैया, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी अकेली है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर परिणाम डले आप देख लो जी बिल्कुल, और जहां जहां आपकी सरकार है वहां पर सिर्फ विकास ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा आपका कहना बिल्कुल है। विकास हो रहा है, आपको लगता है विकास के मुद्दों पर बहस हो, आप मध्य प्रदेश की सरकार 1300 रुपए आज उत्तर प्रदेश में आपने बुलाया है, उत्तर प्रदेश में बहस करा लो, पूछो कि राहुल गांधी 6 महीना पहले सही बोल रहे थे कि आज वो रैलियों में जा रहे हैं तब सही बोल रहे हैं, झूठ कहाँ है, सही कहाँ है, बताओ। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, वहाँ पर पीएम मोदी कहते हैं कि बुआ कभी भी अपने भतीजे के पास जा सकती हैं, और दूसरी तरफ से हम अखिलेश बोलते हैं कि हमारी बुआ कभी भी रक्षाबंधन यानी कि गठबंधन कर सकती हैं बीजेपी वालों के साथ, सपा और यहाँ पर बीजेपी दोनों ही पार्टी इस तरह की बातें करती हैं, हम क्या समझे से डर गए क्या दोनों ही कि कहीं बुआ गठबंधन कर ना ले तो हम फीके पड़ जाएं। आपका सवाल मुझसे है, बिल्कुल बिल्कुल आपसे ही है। देखो रेणु जी क्या है, राजनीति के ये सवाल जो है रणनीति के तौर पर कई बार अखिलेश यादव कहते हैं कि हम रक्षाबंधन मना लेंगे, उसमें वोट के समीकरण है, है ना, और वो सामने आते हैं, और यही कारण है कि जो महागठबंधन बना है बिहार में कि अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी सब एक हो जाओ, और उसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसी भी वक्त एक हो जाएंगे, तो ये वहाँ के वोट गणित समीकरण वहाँ का कंपोजिशन जिस प्रकार का मतदाताओं का बनता है उसके आधार पर नेता अपनी बात कहते हैं, उस पर हम और आप बहुत स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग की मर्यादाओं के तहत बात पूरी नहीं कर सकते, व्यक्तिगत तौर पर जरूर मैं गलत समीकरण समझा सकता हूँ। जी जी कुणाल जी, यहाँ पर एक बात यह है कि गठबंधन को लेकर काफी सारी चर्चाएं हैं, कहना होता है कि ये हारा हुआ गठबंधन है, मजबूरी का गठबंधन है, सीएम अखिलेश ने अपने भाषण में बोला था कि पारिवारिक अंतर्कलह ना होती तो हम ये गठबंधन नहीं करते, हम क्या समझे ये से कि ये गठबंधन किस बुनियादी ढांचे से बना हुआ है, हिंदू अखबार के इंटरव्यू में भी बोला है रेणु जी, ये कुणाल जी से प्रश्न है, रजनी जी कुणाल जी से प्रश्न है जी, मैंने बस आपको रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, हिंदू अखबार के इंटरव्यू में भी बोला है जी, थोड़ा सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की तरह बीच में आप बोलेंगे ठीक नहीं लगेगा, अभी सब जगह सत्ता में आप बोलिए आपका भी है, बोलिए बड़ा स्पष्ट है कि इस देश में जिस प्रकार की नफरत की राजनीति भारतीय जनता फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूरे देश के अंदर जिन मुद्दों के ऊपर ये आए थे इनने उस पे, क्योंकि 150 दिन में काले धन की कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, जो 380 रुपए में गैस की टंकी डायन कहलाती थी वो आज 800 रुपए करके जनता को बड़ा तोहफा इन्होंने दिया है, 2 साल के अंदर जो लाइनों में लगाया दाल की कीमत जो 200 रुपए तक जो 60 रुपए में महंगी होती थी डायन होती थी वो 200 रुपए का विकास उसको कर दिया, ये विकास का पैमाना क्या है, जो आलू की कीमत कल किसान के साथ के गए 50 कट्टे बेच के आ रहा है इनके राज्य में करीब 20 क्विंटल और 1 रुपया घर लेके आ रहा है, वहीं दूसरा किसान 108 कट्टे आलू के लेके जा रहा है जिसमें करीब 7 क्विंटल में, अब आपको देश के वही किसान, अब आप यही तो दिक्कत है कि किसानों का दर्द ही नहीं समझना। कुणाल जी हम आपसे बात कर रहे
रहे हैं आपके गठबंधन की। नहीं, मैं गठबंधन क्यों हुआ, अरे गठबंधन क्यों हुआ इसका मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरी पूरी बात तो मुझे करने दीजिए। यही कि जो मर रहा किसान, इस देश के अंदर जो नफरतें फैलाने वाले, इनके खिलाफ लोग एक हुए जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। जो लोग इस देश के अंदर पूरे तरीके से कहीं ना कहीं सद्भाव चाहते हैं, लोगों के अंदर शांति चाहते हैं, क्योंकि इनके नेता एक योगी आदित्यनाथ आते हैं, कोई साध्वी प्राची आती है, कहीं बच्चे पैदा करने की, कहीं देश के अंदर शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये नहीं अच्छा। कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाओ, ये कहेंगे कि बच्चे पैदा करो, जिनके खुद से एक एक नहीं हुआ वो कहते हैं चार चार बच्चे पैदा करो। आप देश में विकास क्या करना चाहते हो, ये विकास की आदतें जो 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 आपकी झूठी बुनियाद है, इसके खिलाफ हम लोगों ने कहीं ना कहीं गठबंधन जो करा है, इन नफरत के खिलाफ, इस देश के किसानों के लिए आपको तब नहीं मिलेगा बस, और उसके लिए हमने यहाँ पे गठबंधन किया है, यही इस देश के एक लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं। लेकिन अभी भी हमारे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं, अब आपको आपने पूछा क्यों किया, तो यही बताया कि किसानों का दर्द जिनको है, क्योंकि किसान के अच्छे दिन के तो नाम पे धान की कीमत तो आप अकेले भी सरकार बना नहीं, नहीं ये अकेले दुकेले नहीं, इस देश के अंदर जब किसान परेशान है, राजनीति इस देश के किसान मजदूर गरीब के लिए होती है। 1400 रुपए कुंटल धान की कीमत करती जो 4500 रुपए कुंटल थी, वो चावल तो भी उस 4500 रुपए कुंटल में जितना चावल मिलता था उससे महंगा मिल रहा है। इस देश के अंदर जो हालत खराब है, चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए जो सरकार चल रही है। आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं यहाँ पर, एक तरफ बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का जो गड़ा गड़ाया, जो पूरी जड़ से गड़े हुए थे उन्हें उखाड़ फेंकने की हमने सोची और हमने विकास की सोची, तो यही कांग्रेस का कहना है कि विकास की सोची तो, लेकिन विकास हुआ सिर्फ कीमतों पे, जनता का विकास तो हुआ नहीं। हम किस तरह से देखें इस पूरे ढांचे को, इस पूरी जो चर्चा है उसके बुलवा पर हमको जाना पड़ेगा यहाँ रीनू, इसलिए कि मैं यहाँ रजनीश अग्रवाल की तारीफ करना चाहूंगा जी। पहले प्रवक्ता है जो ये कह रहे हैं कि हम अपने 3 सालों के विकास की बात करना चाहते हैं, नहीं तो हमारे इस कार्यक्रम में, इसके अलावा अन्य चैनलों में भी प्रवक्ता ये कहते हैं कि जब हमारे 5 साल का मौका होगा तब हम हिसाब देंगे। अभी तो आप इन 5 सालों का हिसाब लीजिए जो अखिलेश यादव के जी, लगातार यही बात हम सुनते रहे हैं चर्चाओं में। एक बड़ा सवाल खड़ा किया उन्होंने कि चैनल अगर ये डिबेट करता है इस विषय पर, इसीलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो विकास तो बहुत आगे आगे है, सबसे आगे विकास की ही बात होती है जी। हमने ये कभी नहीं कहा कि आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा है मुद्दा जो है वो विकास का पिछड़ गया है। हमारा जो इस पूरे चुनाव में जिस तरह की बहस हो रही है या जिस दिशा में भाषणबाजी जा रही है जी, उस पर विकास पिछड़ गया है। विकास की मंच पर कोई बात नहीं करता, ऐसा नहीं है कोई अखिलेश की मेट्रो पर सवाल खड़ा करता है, अपने बिजली देने की बात करता है, और कोई कहता है कि एक्सप्रेस हाईवे में चल लोगे तो हमें ही वोट दोगे जी। तो विकास की बात तो सभी कर रहे हैं, गरीबों की चिंता है, ये है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, माफ कर देंगे, ये सारी चीजें सब कर रहे हैं जी। लेकिन नेता बहुत अच्छे से जानते हैं हाँ। और ये जितनी भी बातें नेता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री 1.25 घंटे बोलते हैं लगभग, 1.25 घंटे हमारा चैनल या देश के ज्यादातर चैनल टस से मस नहीं होते, बिल्कुल पूरा डेढ़ डेढ़ सवा सवा घंटे जो कुछ भी कहते हैं दिखाते हैं। अमित शाह जो कहते हैं वो भी दिखाते हैं, अखिलेश जो कहते हैं वो भी दिखाते हैं, राहुल जो कहते हैं वो भी दिखाते हैं, लगातार लाइव करते हैं। तो ये जितने तरह के भाषण देते हैं उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, जनता को नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। चुनाव आज 6वें चरण का है, नेता भाषण 7वें चरण में दे रहे हैं जी, 6वें चरण में भी वो भाषण जा रहे हैं, हम तब भी दिखा रहे हैं। तो ये बात कहना कि हम सिर्फ उन्हीं बातों पर बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि आप अपना स्तर गिरा रहे हैं जी, आप नीचे जा रहे हैं, व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरों युद्ध का भी सिद्धांत है, चुनाव भी एक तरह का एक ऐसा ही है, इसलिए कि ये दोनों सकारात्मक ढंग से एक दूसरे के खिलाफ अपनी बात, अपना पक्ष रखने का मौका है। लेकिन कमर के नीचे वार का सिस्टम हो गया चुनाव में जी। अगर आप जब ऐसा करेंगे तो उसकी चर्चा नहीं की जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, चर्चा जरूर होगी बिल्कुल, और बिल्कुल। हर हाल में होगी। अब बात है गठबंधन की हाँ हाँ। वोटों का विभाजन ना हो, या हम किसी एक वर्ग को टिकट ही नहीं देंगे, दूसरे वर्ग को समझाएंगे कि हमारे लिए तो सिर्फ आप ही हो, या दूसरा वर्ग तो हमारे लिए है ही नहीं है। चुनाव की बहुत तरह की रणनीतियां होती हैं,
तो कोई किसी की किसी रणनीति पर सवाल खड़े करेगा, कोई किसी के किसी रणनीति पर सवाल खड़े करेगा, और ये सबको खड़ा करने का अधिकार भी है। जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, सांसद रहे हैं, लंबे समय से सांसद हैं, उनके क्षेत्र में अगर बिजली नहीं है तो आज तक तो बिजली की बात हमने उनके मुंह से कभी सुनी नहीं। जी, बात तो सिर्फ सांप्रदायिक विघटन की ही बात हम सुनते रहे हैं लगातार, घर वापसी से लेके ना जाने क्या क्या, बिजली की बात पहली बार हमने सुनी। जी, तो ये चीजें आम दिनों में आप क्यों नहीं करते हैं, या आप इंतजार करते हैं कि जनता को बताएंगे कि हम देना चाहते थे, फलाने व्यक्ति ने नहीं दिया। जी, तो ये जो सारी चीजें हैं, रजनीश जी यही कहेंगे इस पर भी कि आप योगी आदित्यनाथ की इसी बात को दिखाते हैं, आप इसी बात को दिखाते हैं, फिर ये वही कहेंगे। हम सुन लेते हैं क्या कहते हैं रजनीश जी। चलिए सुन लीजिए। ये प्रश्न का जो उठाना का काम रजवान जी कर रहे हैं, ये पहले भी एक इंटरव्यू में यही प्रश्न उठाया था, तब अपने साक्ष्यों के साथ में जो आंदोलन उन्होंने किए थे सांसद के नाते और भारतीय जनता पार्टी के नाते, बिजली के विरोध में हो चाहे तमाम विकास की गतिविधियों को लेके हो, तो उन्होंने साक्ष्य के साथ में जवाब दिए थे कि फलानी जगह पर फलाने तारीख में हमने ये आंदोलन किए हैं। और सवाल ये है कि किस जो सुविधाजनक होती है बहस हम उस पर खड़ी करते हैं, और अगर वो गलत कह रहे हैं तो जनता उनको नकार देगी। मैंने कहा ना, जनता उनको नकार देगी, लेकिन सुविधा की राजनीति, सुविधा की दृष्टि से केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जनता नहीं चाहती। जनता विकास पर, जनता, मैंने बार बार मैं कह रहा हूं, जनमानस में जो मुद्दे होते हैं, दैनंदिन व्यवहार में जो देख रहे होते हैं, झेल रहे होते हैं, भोग रहे होते हैं, अच्छा या बुरा, जनता उस पर मतदान करती है। जनता को नादान मत समझिए, अपनी बुद्धिमानी अपने विश्लेषण में होती है, लेकिन जनता जब मतदान करती है उसकी जो बुद्धिमानी है वो नतीजों में सामने आती है। मुझे लगता है वो जवाब का इंतजार 11 मार्च का है, लेकिन किसी को नकार देना कि वो विकास के मुद्दे पे बात नहीं करता या योगी आदित्यनाथ ने कभी बिजली की बात नहीं की, मुझे लगता है ये आप उनके प्रयासों के, उनके आंदोलनों को, उनकी जो मुद्दे उठाने की संसद के अंदर हो उनको आप नकार रहे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो ऑन रिकॉर्ड है। रजनी जी, हमारे पास समय बहुत ही कम है, बहुत ही कम शब्दों में जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश का नारा है, काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है, उनको लगता है उन्होंने पूरा कर लिया इसलिए काम बोल रहा है। आप कह रहे हैं परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे, क्या परिवर्तन लाने की सोची है? विकास के मुद्दों पर परिवर्तन की बात सोची है? जो गुंडा और अराजकता की बात 6 महीना पहले राहुल गांधी भी करते थे, तमाम राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, जनता के बीच में गुंडा अराजकता का माहौल है, वो माहौल बदलने की बात हम कर रहे हैं। हम गन्ना किसानों के साथ में जो अत्याचार, अन्याय आर्थिक तौर पर हुए हैं, उसको बदलाव की बात कर रहे हैं। हम विकास के काम जो अवरुद्ध हुए हैं, केवल एक एक्सप्रेस हाईवे के काम नहीं चलने वाला, उसमें भी महाभ्रष्टाचार, मतलब 38 और 81 के बीच में जितने करोड़ आते हैं वो सब इन्होंने कहां रफा दफा किए। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए, वो केवल एक एक्सप्रेस से भी नहीं बनेगा। अच्छा। हमें तमाम गांव की सड़कों भी वहां बिछानी पड़ेंगी, उसके विकास में बदलाव की बात करते हैं। हम बिजली सबको समान रूप से मिले, बिना भेदभाव के मिले, उसके मुद्दे की बात करते हैं। हम बात जो विकास में की है, जो बात सुशासन की है, जो बात वहाँ कानून और व्यवस्था की है, उन सब मुद्दों पर हम बदलाव की बात करते हैं और जनता के बीच में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी प्रतिक्रिया कुणाल जी से, आप बताइएगा कि चुनाव के बाद किस तरह का विकास करेंगे आप? देखिए, इनके जैसा विकास तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो महंगाई गैस की बढ़ाई हो, दाल की कीमतें बढ़ाई हो, गरीब आदमी के आटे की कीमत बढ़ाई हो, जो डाटा तो भले ही सस्ता फ्री मिल रहा हो पर आटा जो महंगा हुआ है, जो गरीब की दाल महंगी हुई है, इतना विकास मत करिए। आपके इस विकास से जनता थक गई है भैया। आपने जो है ना, जो गलती से ज्यादा विकास कर दिया, 800 रुपए गैस की टंकी कर दी है, दाल की कीमतें 200 रुपए कर दी है, अंतरराष्ट्रीय कीमतें क्रूड ऑयल की सबसे कम स्तर पे, जहाँ पे 40 रुपए पेट्रोल डीजल होना चाहिए वो 70-80 कर दिया है। ऐसा विकास हम नहीं करेंगे। और आप भी भैया आग्रह कि वो पुराने खराब वाले दिन जनता आपसे मांग रही है कि वही दे दो, ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन के नाम से जनता थक चुकी है। और ये लोग गुंडे राज की बात करते हैं, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश बदल रहा, जिनके हाथ खून से सने वो स्वच्छता की बात करते हैं, वो लोग अब आप रखिए, न्यायालय के विरोध में बात ना करो, नहीं गलत बात है, न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इस प्रकार की आपने अत्याचार की राजनीति करके राजनीतिक रूप से अत्याचार किए, झूठे का प्रकरण दर्ज कराए, न्यायालय ने उत्तर दे दिया आपको, अब न्यायालय ने तरीके से आपको समझा दिया, तमाम एजेंसी का दुरुपयोग किया, आपको जवाब दे दिया, समझा दिया, और इसीलिए न्यायालय की बात, न्यायालय की बात। जी बिल्कुल 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 कुणाल जी, बहुत
सम्मान करना सीखो, केवल 10 जनपद पर हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत ही कम समय है, हमारे पास बहुत ही कम समय है कुणाल जी। अगली बार चर्चा में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अपमान करके कुछ भी बकवास करेंगे चैनल पर, क्या सच्ची बात, कुछ भी बकवास चलाएंगे ये, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहेंगे, कुणाल जी अरे जनता देख रही है, कौन बोल रहा है, निर्णय को मत सीखो, अरे जनता देख रही है, जनता को बता रहा हूँ कि ये पाखंड रचना बंद करो, अगर ने निर्णय, अरे आईएसआई के एजेंट जिनके हैं, अरे आईएसआई के पाकिस्तान के सामने, आपने दाल की बात की है, दाल 60-65 रुपए किलो पहुंच गई है, बाकी क्रोध की बात, अरे रजनीश भैया सेना अध्यक्ष ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को तमाम खास चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुणाल जी और साथ ही साथ रजनीश जी को बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ रिजवान अहमद सदीको जी को सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में छठवें चरण का मतदान अभी भी चल रहा है, 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान चल रहा है, साथ ही 8 तारीख को 7वें यानी कि अंतिम चरण का मतदान होने वाला है। सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में खड़े हुए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भाषण की एक लाइन को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं, सबका जवाब देना इन्हें बहुत जरूरी है, जो कि वो देते भी आ रहे हैं। देखना होगा कि जनता कितना इनको भांपती है और किसे जिताती है, किसे हराती है, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली सभी दिग्गज पार्टियां कौन बनाता है प्रचंड जनादेश की सरकार। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड, नमस्कार।